सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस तरह से एक नदी अपनी बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो खर्च कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। आज का पंचांग 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 10:54 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र रात्रि 10:42 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, आज आप विशेषकर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। सब समस्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करेंगे। आज किसी विवाद में मैत्रीपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी से खुशी और रौनक रहेगी और शाम को पार्टी की जान बने रहेंगी। आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास बना रहेगा। उनका अधिकतर समय किसी खास व्यक्ति की सहायता और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगी। अपने काम करते समय आने वाले रुकावटों का डर आपके मन में अधिक होने की वजह से काम पर भी पूरा ध्यान दे पाना आपको कठिन लग सकता है। आपसे जुड़े हर व्यक्तिगत व्यवहार को केवल भरोसेमंद लोगों के साथ शेयर करें, वरना आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नौकरी करने वालों को काम से संबंधित बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है जिसका असर करियर से संबंधित बातों पर होगा। छोटी मोटी रिस्क लेने से ना डरें। पार्टनर और परिवार की वजह से कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रहेंगे। पार्टनर का साथ आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पाचन से संबंधित समस्या होने के कारण सेहत संबंधित चिंता उत्पन्न हो सकती है। सावधानियां, अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखना है। आर्थिक मामलों को लेकर किसी नजदीकी व्यक्ति से वाद विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन रखना भी जरूरी है। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में दूरियां ना आने दिए। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यावसायिक तनाव को पारिवारिक सुख शांति पर हावी ना होने दें। प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए समय देना भी जरूरी है। आपकी पुरानी साथी नए बनने की भी कोशिश कर रही है, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूसरों को दूर करने की उनकी कोशिशों को भी कद्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी उन्हें महसूस करा ही दे कि जो गलतियां वे पीछे कर चुके हैं आप उन्हें जानते हैं और वे दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। बात करते हैं करियर की। आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन छड़ी भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू में रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें, अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं। बिजनेस में कुछ चुनौतियां सामने आएगी। इस समय अपने काम की क्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है।
मीडिया और मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों पर भी ध्यान दें। आपको नई नई जानकारियां हासिल होगी। बात करते हैं सेहत की। अच्छी सेहत पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक फिटनेस कार्यक्रम बनाकर उसके अनुसार चलें और आपकी सेहत उसी से अच्छी रहेगी। करियर को रिलैक्स करने और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। आपको अपने लक्ष्य को सच करने के लिए अपने सपनों की जिंदगी बिताने की जरूरत है। अगर आप सेहत अच्छी रखेंगे तो ही आपको इसका मौका मिल पाएगा। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।